आज नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कलेक्टर कार्यालय पर जिला कलेक्टर दिनेश जैन से भेंट की। दरअसल लीजी निवीनीकरण MOS बंगला बगीचा एरिया समस्या, जाजू सागर बांध की डूबी क्षेत्र भूमि पर अवैध खेती और नगर पालिका में स्टाफ की कमी आदि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार परेशानियां जग जाहिर है। इन्हीं बातों के निदान के लिए स्वाति चोपड़ा ने कलेक्टर दिनेश जैन से चर्चा की। उनके साथ सभापति वंदना खंडेलवाल और मनोहर मोटवानी भी मौजूद रहे। वॉइस ऑफ MP ने स्वाति चोपड़ा से इस विषय पर जानना चाहा, तो सुनिए उन्होंने क्या खास बात कही। हाँ जी, नगर पालिका में जो कुछ दिक्कतें आ रही हैं उस विषय में कलेक्टर साहब से चर्चा करने के लिए आए थे हम यहाँ पर। जैसे कुछ हम लोग लीज नवीनीकरण करना चाह रहे हैं, साथ ही बंगला बगीचा समस्या के बारे में भी चर्चा हुई विस्तृत, साथ ही दो चार विषय और थे इसी तरह के, ताकि आने वाले समय में हम कैसे शहर के लिए जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर सकें। और हमारी परिषद की यही इच्छा है कि नीमच जो इतना अच्छा शहर है, अगर कुछ कुछ बातों से वो परेशान है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे अच्छा बनाया जाए। और जो हमारे यहाँ पर इंजीनियर्स की कमी है, मेन मुद्दा ये भी था कि हमारे यहाँ पर काम करने के लिए अधिकारियों की बहुत ज़्यादा कमी है। आप जैसा जानते हैं, ना कोई RO है, ना कोई HO है अभी वहाँ पर, ना हमारे पास AE है, ना इंजीनियर्स है, ना EE है। तो सर से इस विषय में चर्चा हुई कि हमको कुछ लोग अगर मिल जाए अधिकारी, तो हम काम अच्छे से करवा पाएंगे और जनता के काम जल्दी होंगे। मैडम, महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत जैसा कि आपने की, लीज नवीनीकरण या MOS होता है, बंगला बगीचा एरिया आपने बताया, क्या कुछ समाधान की दिशा में आगे बढ़ा गया, क्या नतीजा निकला? सर का ये भी यही कहना है कि आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं, आप करते रहिए, और हम ऊपर से भी जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम शासन से भी थोड़ा सा उनसे नेतृत्व मांगेंगे कि कभी किसी दिशा में अगर हमको लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर उलझ रहे हैं, तो उसके लिए हम शासन में पत्र लिखेंगे। और हड़क्याकाल डैम का भी हम चाहते हैं कि क्षमता बढ़े, क्योंकि अभी जो है वो वहाँ पर जो जगह छूटी हुई है, वहाँ पर अवैध खेती हो रही है, और हम चाहते हैं कि अवैध खेती ना हो और ऐसा कुछ हो कि ताकि जनता के लिए कुछ अच्छा हो जाए। तो अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, तो नीमच को आने वाले 50 सालों में जो पानी का संकट है वो नहीं झेलना पड़ेगा। हड़क्याकाल में जो लीज नवीनीकरण वाला विषय आपने, हड़क्याकाल में जो एक मैटर चल रहा है, ये अवैध कृषि हो रही, इस बात को लेकर कोई बातचीत हुई, उस पर कुछ निर्णय हो पा रहा है? पहले इससे पहले जब हमारी तब चर्चा हुई थी, सर ने कहा था कि अवैध खेती को रोकने के लिए आपका प्रस्ताव अच्छा है कि आप उसके वहाँ पर वैध खेती कराएं, जैसे पहले भी होता ही आया है बहुत वर्षों का। और उसके साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि एक बार पहले हम हड़क्याकाल डैम की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दें, क्योंकि वो एक चीज़ होगी जिससे बहुत बड़ा एक सौगात शहर को मिलेगी। आपकी विज्ञप्ति निकालने के बावजूद वहाँ पे लोग बुआई कर चुके हैं। आपने एक विज्ञप्ति निकाली थी नगर पालिका ने, जिसमें साफ तौर पे चेतावनी दी गई थी, उसके बावजूद लोग बुआई कर चुके हैं। जी, उस विषय में भी चर्चा हुई है सर से, तो हम प्रशासन को भेजेंगे वहाँ पर, और जो ऐसे अवैध खेती कर रहे हैं उनके लिए कमला भेजा जाएगा। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।